प्यारे दोस्तों, फटाफट कुकिंग में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घरेलू विधि में आप भी भिंडी दो प्याजा की सब्जी अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। फटाफट कुकिंग में दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर पे भिंडी की सब्जी कैसे बना सकते हैं, यानी भिंडी दो प्याजा कैसे बना सकते हैं। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है चॉप ऑनियन, चॉप टमाटो, साथ में हमें चाहिए होती है ऑनियन। ऑनियन की कटिंग आप देख लो किस तरीके की है, और साथ में हमें चाहिए होती है भिंडी, यानी ये लेडी फिंगर, और इसको मैंने ये फिंगर शेप में काटा हुआ है। भिंडी दो प्याज़ा आप जब भी बनाएं, अपनी जो भिंडी है उसकी कटिंग ये रखें, आप आगे और पीछे अच्छे से काट लें, और उसके बाद इसे अच्छे से धो लें। और साथ में इसके लिए चाहिए स्प्रिंग ऑनियन। आज मैं इसको हल्का सा चाइनीज़ टच में बनाने वाला हूँ भिंडी दो प्याज़ा को, इसलिए मैंने स्प्रिंग ऑनियन ली है, और स्प्रिंग ऑनियन की कटिंग भी आप देख रहे होंगे। अब आपको मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, और साथ में मेरे पास चॉप धनिया भी है। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों भिंडी दो प्याज़ा बनाना। अब आप देख रहे होंगे मेरी कढ़ाई में जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं कुछ लाल साबुत मिर्चें भून लेता हूँ और इन्हें भून के अलग रख दूँगा। अब आप कढ़ाई में जीरा डाल लें और जीरे को अच्छे से ब्राउन होने दें। दोस्तों आप देख रहे होंगे जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हमारे पास जो बारीक कटी हुई प्याज है उसे इसमें हम डाल देंगे। हमारे पास प्याज है, इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट मिला देंगे। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि 3 से 4 मिनट के अंदर प्याज ब्राउन हो गई है। अब इसमें हमारे पास जो चॉप टमाटो है हम उसे भी इसमें मिला देंगे। अब आप देख रहे होंगे जो मेरी टमाटो है वो अच्छे से सौते हो गई है। अब मैं इसमें हल्का सा नमक लगा लूँगा ज़रूरत के हिसाब से, और साथ में मेरे पास मिक्स मसाले हैं जिसमें धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मैं क्यूमिन पाउडर यानी धनिया पाउडर है, मैंने सब मिक्स किए हुए हैं। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट मसालों को पकने देंगे। अब आप देख रहे होंगे मैंने मसालों को अच्छे से पका लिया। जब निचले सतह पे तेल छूटने लगे तो सोचो कि आपका मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसमें हल्का सा गर्म पानी मिला देता हूँ। आप देख रहे होंगे भिंडी दो प्याजा के लिए जो चॉप मसाला है वो एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारे पास भिंडी है उसे मिला देंगे। आप चाहें तो भिंडी को सौते भी कर सकते हैं, लेकिन मैं घरेलू विधि से बना रहा हूँ तो मैंने भिंडी सौते नहीं की हुई है, मैं डायरेक्ट इसमें भिंडी मिला देता हूँ। मैंने मसाले के साथ भिंडी को अच्छे से मिला लिया है। मैं 4 से 5 मिनट से पकने दूंगा, क्योंकि भिंडी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती है और ये 7 से 8 मिनट के बीच में पक के तैयार हो जाती है। लगभग मेरी भिंडी पक चुकी है। अब मैं इसमें प्याज मिलाने वाला हूँ, क्योंकि भिंडी दो प्याजा आज हम बना रहे हैं। भिंडी दो प्याजा के लिए मेरे पास प्याज कटी हुई है। अब हम ये जो प्याज है भिंडी में मिक्स कर देंगे। ये भिंडी दो प्याजा आप सभी के लिए तैयार। दोस्तों आप देख रहे होंगे 10 मिनट के अंदर मेरी भिंडी दो प्याजा एकदम तैयार है, क्योंकि मैं भिंडी दो प्याजे को हल्का सा चाइनीज टच देने वाला हूं, इसलिए मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन यानी हरी प्याज है, और मैं जो मेरी भिंडी दो प्याजा है उसमें इस स्प्रिंग ऑनियन को मिलाने वाला हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा और ये अब बहुत ही कलरफुल होने वाला है। दोस्तों आप देखते होंगे मेरी भिंडी दो प्याजा जो है बहुत सुंदर हो गई है दिखने में भी, और एकदम खाने के लिए भी तैयार है। आशा करता हूँ आप भी बड़ी आसानी से अपने घर पे भिंडी दो प्याजा बना पाएंगे। अब मेरे पास कटा हुआ धनिया है, मैं इसके ऊपर गार्निश कर देता हूँ। दोस्तों आगे भी आप लोगों के लिए मैं तरह तरह की जो डिशें हैं वो तैयार करता रहूँगा घरेलू विधि से, और आप लोगों को बताता रहूँगा। उसके लिए आप चाहें तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ढूंढ सकते हैं, और साथ ही जो मेरा फेसबुक पेज है आपको मैं उस पर भी मिल जाऊँगा। थैंक यू दोस्तों।